अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। एक वक्त था पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, तो वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में पीआईए का राज हुआ करता था और पीआईए का अमला, पीआईए के एयरक्राफ्ट, पीआईए का एक इमेज पूरी दुनिया पे छाया हुआ था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री काफी अरसे से मुश्किलात का शिकार है। रिसेंटली हवा के कुछ ताजे झोंके की तरह कुछ ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में कुछ बेहतरी आ सकती है। अगर हम बात करें रिसेंटली पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में कुछ नए एयरलाइनर्स ने ज्वाइन किया और पाकिस्तान में जो एविएशन इंडस्ट्री का जो तासुर था, जो काफी ज्यादा खराब हुआ था, उसको बेहतर बनाने के लिए ये एक बेहतरीन काविश नजर आई। एयर सियाल, एयर ब्लू और दीगर इस तरह की एयरलाइंस ने पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम पैदा करने के लिए तैयारी कर दी। और ये वो वक्त रहा जब पाकिस्तान के अवाम को एक मायूसी भी थी कि पाकिस्तान में एयरलाइंस की सहूलियत की बात करें तो उस तरीके की मयारी नजर नहीं आती। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि अब अवाम शायद इन एयरलाइंस से भी काफी ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुकी है। रिसेंटली जो कुछ हुआ, जो कुछ हादसा हुए, जो कुछ वाकयात हुए, वो उस तमाम तर वाकयात की वजह से आज पाकिस्तान की अवाम इस मौके पे बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता नजर आती है, जो एविएशन इंडस्ट्री को पाकिस्तान की सरकार ताज समझना चाहते थे। अगर इस वक्त की बात करें तो गुज़श्ता एक से डेढ़ हफ्ते, दो हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर हम एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो लास्ट दो हफ्ते में जो कुछ मिसाल देखे गए, जो कुछ खराबियां देखी गई, जो कुछ बिगाड़ देखा गया, वो यकीनी तौर पे बहुत खराब रहा। अगर हम जुमेरात से बात करें तो जुमेरात को जो सिलसिला शुरू हुआ एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से, जहां पे एयर सियाल की परवाजों में मुख्तलिफ फनी खराबियों के बाद उन परवाजों को मुतअद्दिद बार रोका गया, पैसेंजर्स को डीप्लेन किया गया, पैसेंजर्स को घंटों एयरपोर्ट पे इंतजार करवाया गया और वहां पे कियोस की सिचुएशन नजर आई। साथ साथ अगर हम एयर ब्लू की बात करें तो वहां भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन नजर आई और जिसके मनाजिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी मौके पे बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर मुसर्रत साहब, जो कि 41 ईयर्स का एक वसी तजुर्बा रखते हैं एविएशन और एयरलाइन इंडस्ट्री से, और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ कि पाकिस्तान की ये एविएशन इंडस्ट्री इस नहज पे पहुंच चुकी है। सलाम वालेकुम मुसर्रत साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुसर्रत साहब, बीइंग अ वेटरन, बीइंग अ सच अ एक्सपीरियंस पर्सन, हमारी एविएशन इंडस्ट्री को क्या हो गया? सर वो दौर था एक कि जब हम पीआईए में बात करते थे, पीआईए की बात करते थे, तो बहुत पॉजिटिविटी देखने में मिलती, फखर हुआ करता था। आज एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो वो सूरत हाल वैसी नजर नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसलिए है कि एक ज़माने में पी आई ए जो थी वो टॉप 10 एयरलाइंस में आती थी, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, आई एम प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज जब मैं पी आई में आया था तो वो उस टॉप 10 एयरलाइन में शुमार, दुनिया की टॉप में शुमार होती थी। मगर आस्ते आस्ते ये डिक्लाइन क्यों हुआ, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो एक जो काबिल लोग थे उसके बीच के अंदर जो टाइम पीरियड आया था हमारा, फ्रॉम दी अर्ली 60s का जो, और 70s का, और 70s के बाद वो उसमें जो लोग थे वो अच्छे, जो कॉम्पिटेंट लोग थे वो तो या तो रिटायर हो गए या दुनिया छोड़कर चले गए या उन्होंने खुद ही रिज़ाइन करके दूसरी एयरलाइंस ज्वाइन कर ली। जो एक लॉट आया बाद में 70s तकरीबन 80s के बाद, वो उसमें ज़्यादातर या तो फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होता था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया था, और मैं नाम नहीं लूँगा मगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था डिफरेंट पार्टीज़ का। तो वो उसमें यह है कि वो नेपोटिज्म बढ़ा कि चाचा मामा भर्ती हो रहे हैं एयरलाइन के अंदर, और वो और ऊपर से फिर ये कि अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर दी गई, यानी कोई अगर एक पायलट या इंजीनियर या टेक्नीशियन कोई भी है, मार्केटिंग का आदमी है, ट्रैफिक का आदमी है, जो अगर ये गलती कर रहा है, जिसकी बुकिंग हो रही है या ओवर बुकिंग कर रहा है या वो अंदर से कुछ और मैल प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है, उसका वहाँ पर उसकी वहाँ पर एक जो बाउंड्री होती है वो नहीं होती थी, यानी रोकते नहीं थे उस चीज़ को। यूनियन कुछ चेक एंड बैलेंसेस नहीं नजर आया ना, यूनियन का प्रेशर आ जाता था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, आपने इसको टर्मिनेट नहीं करना और सब, तो वो दोबारा फिर वही करता था काम जो कि उसने पहले किया। हमने अंडर कार्पेट कर दिया बहुत सी चीजों को, अपने मफादात की भेंट चढ़ा दिया। जी जी बिल्कुल, यही इसी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो इंडिविजुअल की, जब लोगों ने, दूसरे लोगों ने देखा कि जब एक आदमी गलती कर रहा है और एक करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो भी बैठा हुआ है मेरे साथ, तो फिर एक ईमानदार आदमी जो अपने मेहनत के साथ आगे जाने की कोशिश कर रहा है, उसने भी देखा कि ये काम कर रहा है वो तो वहीं खड़ा हुआ है, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, तो मैं भी गलत काम करने के लिए मैं भी तैयार बैठा हूँ।
ये चीज होने लगी है। आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, और इसी मौके पे हम एक कॉलर को शामिल करेंगे जो कि पैसेंजर हैं, जिनका जिन्होंने हमें इस बारे में बताया कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर गुज़श्ता हफ्ते की बात करें तो एयर सियाल की परवाज जो कि 4 बजे रवाना होनी थी वो रात के 3:30 बजे रवाना हुई। इस रवानगी से कबल इस तैयारी के पैसेंजर्स को 2 बार रनवे के टेक ऑफ तक ले जाया गया, उसके बाद वहां से प्लेन से फिर से उतारा गया। आखिर ये क्यों किया गया? 7:00 बजे परवाज जो चलनी थी आखिर वो टाइम पे ना चल सकी, 12 बजे का टाइम दिया गया, उस टाइम के बावजूद भी वो परवाज ना चल सकी। रात 3:30 बजे का एक और बार टाइम दिया गया और बिल आखिर उस परवाज के जो मुसाफिर थे उनको सुबह 7:30 बजे वाली फ्लाइट में रवाना करने का वादा किया गया। वो वादा भी आखिर कैसे पूरा हुआ कि 7 बजे से 9:30 बजे तक का वक्त उनको एयरक्राफ्ट में कैद कर दिया गया। इसी मौके पे बात करने के हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं हमजा साहब, जरा इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और जुमेरात की शब को आखिर क्या हुआ एयरपोर्ट पे, क्या मनाजिर था। हमजा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर भाई, क्या हाल है? हमजा जरा मुझे ये बताएं कि ये जो जुमेरात को जो मनाजर देखे गए पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वो बड़े खौफनाक दर्दनाक थे। बहुत से मुसाफिर एयरपोर्ट पे घंटों बैठे रहे, बहुत से बुजुर्ग, बहुत सी खवातीन, बहुत से बीमार घंटों तक कैद रहे एयरपोर्ट के अंदर ही और फिर एयरक्राफ्ट के अंदर। आखिर वो सूरत हाल क्या हुई, जरा उसको बेहतर बता सकते हैं आप? देखिए मुनीर भाई, हमारी फ्लाइट थी 12 अगस्त को 7 बजे। कौन सी फ्लाइट थी सर? एयर कराची फ्लाइट थी 12 अगस्त को 7 बजे की हमारी फ्लाइट थी और कराची टू इस्लामाबाद की हमारी फ्लाइट। ठीक है। अब हम समझ रहे हैं 2 बजे हम लोग जो ना रेडी होके बट एयरपोर्ट के लिए निकलने शुरू होना ही था तो हमें मैसेज आ गया एयर कराची की तरफ से कि भाई आपकी फ्लाइट डिले हो चुकी है, रात के 12 बजे। ठीक है। अब हमने बोला चलो ठीक है यार 12 बजे हो गई, अब वेट कर ले। अब हम रात के 10 बजे निकले 12 अगस्त को। ठीक। 12 अगस्त को हम 10 बजे निकले हैं और तकरीबन 10:30 बजे हम एयरपोर्ट पहुंचे हैं और हमें पता चला कि हमारी फ्लाइट जो लेट हो चुकी है मजीद 3:30 बजे। अच्छा, 3:30 बजे। और जिस वक्त आप एयरपोर्ट पहुंचे तो उस वक्त चेक इन शुरू हो चुका था? नहीं, चेक इन उस वक्त शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। हम जैसे चेक इन काउंटर में पहुंचने लगे ना तो हमें पता चल गया कि भाई हमारी फ्लाइट लेट हो चुकी है और 3:30 बजे पहुंच चुकी है। क्या वजुहत हमले ने क्या वजुहत बताई आपको इस डिले की? वजुहत ये थी कि हमने जब उनसे बोला कि कुछ वजुहत है, कोई एयरक्राफ्ट में मसला आ गया, कुछ टेक्निकल मसला हो गया तो आपकी फ्लाइट जो है लेट हो गई, हमें तो ये बताया गया। फिर आप लोग 3:30 बजे तक आपको क्या मामला रहे, क्या कुछ कहा गया? 3:30 बजे के मामला में बताया गया। जैसे हम एयरपोर्ट पे बैठे तो पता चला कि एयर स्टार का जो है ना 1 बजे की परवाज होने वाली थी, इसका चार्ज 1 बजे का टाइम था, जिसका ना तकरीबन 2 बजे चार्ज होने वाला था, बट सही तो उसमें ये मसला था कि वो जब 2 बजे उड़ा तो जैसे वो रनवे पे पहुंचने लगा ना तो उसको वापस बुला लिया गया, उसके अंदर कुछ टेक्निकल मसला हुआ। सही। फिर उनकी बारी आई 7 बजे, तो उसको 7 बजे को वापस उड़ाया गया तो वापस उस एयरक्राफ्ट में जो है ना मसला आ। सही। तो वो जब वो मसला आया तो एक हमारा 125 और एक 123 दोनों के पैसेंजर को बिठाया गया, उन दोनों को पैसेंजर को बोला गया कि भाई 3:30 बजे तक जो है एयरक्राफ्ट आ रहा है लाहौर से कराची, उस एयरक्राफ्ट में जो है ना आपको एडजस्ट किया जाएगा। हमने उस 3:30 बजे तक बैठे रहे, 3:30 बजे के बाद जो है ना 2:30 बजे, 2:30 बजे के बाद जो है ना बोली सबसे पहले मौका दिया गया 123 वाले जो 1 बजे से बैठे रहे। तो आपसे तो पहले कमिटमेंट की गई थी कि आपको रवाना किया जाएगा 3:30 बजे। मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई। मुसर्रत साहब ये कितनी तशवीशनाक, अगर हमारी जब प्रोडक्शन टीम वापस से कनेक्ट कर सके हमजा साहब को थोड़ा हम बात अधूरी रहेगी। मुसर्रत साहब ये कितनी तशवीशनाक बात है कि फ्लाइट्स इस तरीके से डिले हो रही हैं, और क्या इन एयरलाइनर्स के पास जहाज मौजूद नहीं है, अमला मौजूद नहीं है, वरना इतना लंबा डिले आमतौर पर तो नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, होता नहीं है वैसे, मगर क्योंकि सीए की रिक्वायरमेंट ये है कि पैसेंजर सर्विस जो है वो 3 जहाज से कम नहीं ऑपरेट कर सकते। जब एक एयरलाइन लॉन्च होती है पाकिस्तान के अंदर तो वो 3 जहाज कम से कम उनके इन्वेंट्री में होना चाहिए, उनकी इन्वेंट्री में होना चाहिए रजिस्टर्ड पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। अब वो जब तीन ऑपरेशनल होने चाहिए, मगर क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान के मुल्क की, जहाज भी बड़े महंगे लीज पर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लीजिंग बहुत ज़्यादा हाई एंड की, तो ये क्या करते हैं कि अगर 3 जहाज ले लिए तो एज पर रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली, 1 जहाज को ये खड़ा कर देते हैं और 2 जहाजों से ऑपरेशन करते हैं।
वहाँ के पार्ट्स जो हैं उनको कैनबाइज करते रहते हैं, जो पार्ट्स अगर वहाँ पर दो जहाज़ों जो ऑपरेशनल हैं उनके अगर पार्ट्स की कोई जरूरत पड़ती है तो ये उस जहाज से निकल। तो टेक्निकली तमाम तर जो एक्टिविटी हो रही होती है उन्हीं दो जहाज पे हो रही थी और इससे जहाज को ग्राउंडेड किया हुआ था, ग्राउंड किया होता है वो, ये प्लान करके करते हैं ये लोग, ये इसी तरह करते हैं। और बाहर के मुल्कों में ऐसी होता है, ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई एक नई चीज हो रही है। बाहर के मुल्कों में हॉस्पिटैलिटी का तो एक फैक्टर है ना कि जहां पे पैसेंजर्स को कहीं ना कहीं उसकी टेक केयर की जाती है, अकोमोडेट किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इसमें ये होता है कि उनके पास जहाज अबंडेंस होते हैं, यानी एक जहाज कई एयरलाइंस के पास 20-20 50 जहाज खड़े में, तो अगर खड़े में ग्राउंड हुए में तो कोई बात नहीं, अगर एक जहाज खराब हुआ है उसको विड्रॉ करते हैं सर्विस से और दूसरे जहाज को सामने खड़ा करते हैं। बिल्कुल हमजा साहब, हम लाइन को ज्वाइन कर चुके हैं। हमजा आपको आवाज आ रही मेरी? अच्छा हमजा आप बताएं आप क्या फरमा रहे थे जब आपको मैं फरमा रहा था, आपने कहा कि 3:30 बजे उन पैसेंजर्स को रवाना कर दिया गया, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको नहीं कमिट किया गया था कि 3:30 बजे आपको रवाना किया जाएगा रात के? कमिट किया गया कि हमारे जो ना 125 के जो ना 25 लोग आवाज बड़ी कर एयरपोर्ट पे आ चुके थे। जी 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 पैसेंजर आ चुके थे और बाकी पैसेंजर को बोल दिया गया था कि भाई आप फ्लाइट कैंसिल होगी, तो हमें 10 बजे से बोला गया कि आप बेफिक्र हो जाए, आपका जो अभी एयरक्राफ्ट आएगा 3:30 बजे का उस पर आपको बिठा दिया जाएगा। हम बैठ गए, अब 2:30 बजे बोटिंग स्टार्ट होगी। अब जब 2:30 बजे बोटिंग स्टार्ट हुई तो फिर हमने बोला भाई हम तो टोटल 25 लोग बचेंगे 125 की फ्लाइट वाले, तो बोला 180 की जगह है, 150 लोग 123 फ्लाइट के, बाकी पीछे 30 सीटें बची हुई है, तो आप बेफिक्र हो जाए, आप ऊपर लाउंज पे बैठे रहे, सबसे पहले जो है ये होने के बाद हम आपको बिठाएंगे। अब हमने बोला ठीक है, 2:30 बज गए थे, 2:30 से 3 बज गए, हमने बोला बोलती है तो हमें बिठाया जाएगा एयरक्राफ्ट के। और ये तमाम टाइम आप लोग एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे, एयरपोर्ट की लॉबीज में मौजूद थे? ठीक ठीक। अब 3 बज गए तो इस्तीफा कर मैं नीचे उतरा, तो नीचे उतर के देखा तो मैंने ये देखा कि 125 का जो है ना बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, और जो भी लोग थे ना जो एयर अपने एयर साल के अपने अच्छे करीबी कोई बंदे थे उनकी बोर्डिंग की जा रही है। अब मैं वहां सोचा तो पता चला कि वहां पे 25 लोगों को मजीद अभी जो अभी अभी आए 2:30 बजे और उनकी बोर्डिंग करके उनको उस जहाज में भेज दिया गया। तो हमने बोला यार हम लोग ऊपर 25 से 30 लोग ऊपर बैठे रहे, आपने हमसे प्रॉमिस किया कि भाई हम आपको कैश दे देंगे, मगर आपने अभी दिया कि प्रोटोकॉल की तरह आपने अलग लोगों को 25 लोगों को भेज दिया, तो उसको उन्होंने बोला भाई मुझसे गलती हो गई मुझे पता नहीं, और बहुत बहस हुई कि तकरीबन जो है ना 5 बजे जो है ना एयरस्टार के मैनेजर है हमारे पास, उन्होंने बोला भाई 7:30 बजे की फ्लाइट जाने वाली है उस पर हम जो है ना आपको 100% एडजस्ट कर देंगे। सही। हमने बोला चलो ठीक है, फिर 6:30 बजे जो है ना हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई। सही। 6:30 बजे जब बोर्डिंग शुरू हुई तो पता चला कि जिसकी 7:30 बजे वाली फ्लाइट थी ना उनको जान बूझ के बोल दिया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी। क्या बात कर रहे हैं आप, आप क्या ये जो आप एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी 7:30 बजे की कंफर्म फ्लाइट थी उन्हें फोन करके उनको इत्तला दी गई कि वो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है? जिनकी 7:30 बजे कंफर्म फ्लाइट थी उनको मैसेज कर दिया गया 6:30-7 बजे के दरमियान कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। ओके। उसमें हमें जो है ना एडजस्ट कर दिया, तो उसमें से भी कई लोग जो है ना तकरीबन 5 बजे एयरपोर्ट आ गए। ओके। उसके साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ हो रहा था, उन्होंने बोला भाई हमें तो मैसेज आ चुका है कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है मगर यहाँ पे चेकिंग क्लब है, तो फिर उनसे फिर वही एक साल की मतलब बहस बाकी होती रही और हमें जो है ना बोर्डिंग करके उस वक्त उनको वहां पे बेयारो मददगार छोड़ के आपको एयरक्राफ्ट में भेज दिया गया। बिल्कुल, हमें 6:00-7:00 बजे एयरक्राफ्ट में बिठा दिया गया और 7:30 बजे तक जो है ना सब लोग जितने भी सेफ्टी लोग थे वो आ गए। सही। हमने बोला चलिए 7:30 बज गए तो अब ऑर्डर फेल करना शुरू हो जाएगा। अब आधा घंटा गुजरा, 1 घंटा गुजरा, तो हमने बोला भाई क्या मसला है, जब हम जाने वाले भी थे ना भाई 6:30 बजे तो हमने इनसे भाई ये जो एयरक्राफ्ट खराब वाला है आप उसमें तो हमें नहीं बिठा रहे ना, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो वही एयरक्राफ्ट है जो लाहौर का है ना अभी, तो ये नया एयरक्राफ्ट है वो पुराना वाला एयरक्राफ्ट थी तो टेक्निकल मसला। ओके। हमने बोला चलो ठीक है। अब 1 घंटे के बाद जब हमने एयर स्टेशन से पूछा कि भाई क्या मसला, तो बोला रात में जो ना एयरक्राफ्ट का टेक्निकल मसला आ गया था, तो वो टेक्निकल मसला हमने सही कर दिया, बस हमें PIA की तरफ से NOC नहीं मिल रही है, सिविल एविएशन की तरफ से इनफैक्ट जी हमें उस पेपर की क्लियरेंस नहीं मिल रही, हम जो है ना ये जहाज हो रहा है, तो हमने बोला जब हम खराब के भाई हमें खराब जहाज से नहीं भेजना तो फिर भी आपने झूठ बोल के भेज दिया, तो बोला नहीं नहीं हम माजरत मांगे आपसे ये वो, और जहाज हुआ तकरीबन 9:30 बजे, मतलब आपको 7 बजे जिस एयरक्राफ्ट में बिठाया गया वो 9:36 पे टू बी प्रेसाइज 9:30 बजे टेक ऑफ किया, 9:30 बजे हो रहा वो था। हमजा आप होल्ड कीजिएगा, मुसर साहब आपने तमाम तर गुफ्तगू को सुना, ये जो पैसेंजर्स हैं
ये हमारा इमेज है, ये हमारी आवाज है, हमारी कस्टमर्स की आवाज है। आप मुझे बताए ना, ये जो सिचुएशन बता रहे हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में होती है, ये ऐसा होता है कि इसके अंदर कभी कभार तो क्योंकि जो जहाज कहीं से आ रहा होता है, इनकमिंग फ्लाइट हो रही होती है, उसमें वो कुछ डिले करना पड़ता है, प्लान डिले, ठीक है, तो वो बता देते हैं कि जी एक जहाज आएगा उसके हिसाब से फिर आगे वो हम उसको रिफ्यूलिंग करेंगे, तो एक मुद्दत होती है। ये चीज जो करना कि एकदम से आउट इन द ब्लू कहना कि जी फ्लाइट डिले हो रही है और उनके बाद वो नहीं, ये बड़ा देखने की बात है कि ये जिस तरीके से फरमा रहे हैं कि एक ऑन टाइम फ्लाइट के पैसेंजर्स को ये कहा जाए कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है, जो कि अक्सर असल में वो फ्लाइट ऑपरेट कर रही हो, तो ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है ये ऑन द एयरलाइन, इज वेरी बैड। और ये मार्केटिंग और ट्रैफिक वालों के इसमें इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा, तो प्लान नहीं कर सका। सिविल एविएशन की इस तरीके से क्लियरेंस का भी बता रहे हैं, वी नो कि कोविड है, एसओपीज हैं, लोग एहतियात भी कर रहे हैं, एनसीओसी की बड़ी कड़ी इंस्ट्रक्शन है। 2.5 घंटे एक एयरक्राफ्ट में कितने पैसेंजर्स होंगे उस एयरक्राफ्ट अगर फुल भी हो तो, डोमेस्टिक जो फ्लाइट काफी होते हैं। मैं इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसके अंदर यह ऐसा होता है कि अगर जब जहाज कहीं डिफेक्ट होता है, टेक्निकल डिफेक्ट कहीं, तो उसमें क्योंकि सिस्टम रेजिडेंसी बहुत ज्यादा होती है जहाज के अंदर, जब मैं जहाज पर काम करता था तो सिस्टम, हम पहले सिस्टम बाइट चेक करते थे, सिस्टम चेक करते थे, अगर वो सिस्टम का दूसरा सिस्टम उसकी रेजिडेंसी में है और वो काम कर लेगा फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लाइट, तो हम उसको उस डिफेक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया करते थे। ओके, वो जायज है, वो अकॉर्डिंग टू द बुक वो फ्लाइट को टेक्निकली सही है, वो फ्लाइट मेंटेन करेगा, वापस आ जाएगा, देन वी यूज टू वर्क ऑन दैट डिफेक्ट को, जो पुराना डिफेक्ट था जो कि कैरी फॉरवर्ड किया गया था, हम उस पर काम करते थे, बिकॉज हम वो क्योंकि टाइम उसमें 4-5 घंटे लग सकता था उस डिफेक्ट को ठीक करने में, तो वो हम कैरी फॉरवर्ड कर दिया फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम वो उस प्लांट पर जाने के लिए। वो आप जो बात कर रहे बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जो ये जो सूरत हाल नजर आ रही है, अब ये एक पायलट ने एक एयरक्राफ्ट को लिया, वो रनवे पे टेक ऑफ पे चला गया, 2 बार टेक ऑफ की कोशिश करने के बाद उसको एहसास हुआ कि शायद इसमें कोई फॉल्ट है, ये कितना बड़ा रिस्क हुआ। बिल्कुल रिस्क था, वो देखना पड़ता है पहले से ही, उसने पहले देखो क्यों की उसने पहले वहां पर एप्रन पर ही उसको चेक करना चाहिए था कि बाइक चेक कर लेते थे, सिस्टम चेक हो जाता है फौरन उसी वक्त ही, आपको सब सिनेरियो पता चल जाता है कि सिस्टम ठीक है या नहीं है। और जो दूसरा केस जो ये बता रहे हैं कि 2.5 घंटे तक एयरक्राफ्ट में लोगों को रखा और सिविल एविएशन की क्लियरेंस नहीं थी, अगेन दैट माइट बी ड्यू टू के वो एयरक्राफ्ट में फॉल्ट था, फॉल्टी एयरक्राफ्ट था। अगर देखें हमारी किताब होती है, हमारे इंजीनियरिंग की किताब होती है, इंजीनियर की, वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू ए बुक विच इज ऑन रिकॉर्ड, इट्स कॉल्ड MEL, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। ओके, अगर आप वो किताब में देख लें तो पाइल्स भी देख सकते हैं, लेकिन ऑल्सो क्योंकि इट्स दैट बुक इज ऑलवेज लाइंग इन द कॉकपिट, इट कांट बी यू नो ऑफलोडेड, उसको ऑफलोड नहीं कर सकते उस किताब को, MEL जो है वो रहती है जहाज पर रहती है, परमानेंट रहती है, उसका वही होता है, इवन पायलट्स कैन सी कि ये इफेक्ट जो अभी आया ये इसको इंजीनियर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हम टाइम बचाने के लिए ताकि पैसेंजर जो है वो बेचारे प्रॉब्लम न आए ना, क्योंकि उनको आगे कनेक्टिंग फ्लाइट है उनकी, उनको पहुंचना है जल्दी, तो वो दीगर मामला आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर आप वो सीए का जो पार्किंग चार्जेस भी बढ़ रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ता है, आफ्टर ऑल यू रनिंग ए कमर्शियल एयरलाइन, तो आपको पूरा बाइबल देखना पड़ता है कि आपको इसके रिटर्न कितना मिल रहा है पैसा खर्चा, तो आप उसमें देखते हैं, पायलट भी देख सकते हैं, इंजीनियर वहां का देखता है, अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है डिफेक्ट वो कैरी फॉरवर्ड कर देता है तो एयरक्राफ्ट कैन डिपार्ट। हाँ, अगर वो डिफेक्ट ऐसा है कि जो MEL में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता तो वो इंजीनियर को ठीक करना है जहाज को। अच्छा, और ये जो सिनेरियो बता रहे हैं साथ में कि जब एक पैसेंजर की फ्लाइट ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुकी है, फ्लाइट में उनको अकोमोडेट किया जा रहा है और पैसेंजर इस बात का अगर सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वही खराब एयरक्राफ्ट तो नहीं है जिसको आप रिपेयर करके, बिकॉज पीपल सर्टन पीपल हैव सर्टन ग्रीवेंसेस, सर्टन इश्यूज, दे माइट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ बैड मेमोरीज अबाउट इट, तो अगर पैसेंजर्स को गलत कम्युनिकेट किया जाए तो ये भी तो एक नेग्लिजेंस है, फिर 2.5 घंटे तक एयरक्राफ्ट में उसको कैद करना तो नहीं, ये मैं इसमें आपको कंप्लीट मैं आपको बता दूं कि जब एक इंजीनियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर और वो अथॉरिटी उसकी है कि वो एक डिफेक्ट है जहाज में, मगर क्योंकि सिस्टम रिडेंसी है, रिडेंडेंसी है, वो सिस्टम दूसरा सिस्टम उसी का काम करेगा फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लाइट, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा, तो वो बिल्कुल जहाज सही है, उसको जहाज को कुछ नहीं होगा।
और मैं जनरल पब्लिक को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए ना, बट गलत घबरानी है, जहाज सही है बिल्कुल जाएगा लेकर और वापस भी आ जाएगा, उसको बाद में इंजीनियर अपने इंजीनियर की टीम जो है इंजीनियर टीम अपने लाएंगे वो जहाज ठीक कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हमजा हमजा सर मुझे एक आखिरी बात का सवाल का जवाब दे दें, ये जो ओवरऑल उस रात जो आप लोग के ऊपर कैफियत तार रही, उस वक्त एयरपोर्ट की क्या मनाजर थे? एयरपोर्ट के ये मैनेजर थे कि हमें कोऑपरेट करने के लिए ना कोई इदारा ऐसा लग रहा था, ना कोई कुछ बोलने के लिए कोई फ्रंट पे आने के लिए तैयार था, हम एयर स्टार के मैनेजर से मिलना चाहते थे तो वो फ्रंट पे नहीं आते थे, हम कुछ शोर शराबा करते थे तो अपना पीआईए के गार्ड आ जाते थे बीच में, हम बोलते थे भाई जो मैनेजर है जो इस एयर स्टार को हमें बताए कि भाई हमें अगर फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है तो हम चले जाए, हमने जब मैं 1 बजे 12:10 बजे आया 2 घंटे तक इंतजार किया तो मैंने एयर स्टार के मैनेजर से बोला कि भाई अगर हमारी फ्लाइट नहीं है तो आप मुझे बता दें कि मैं अभी चले जाऊं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारा नया एयरक्राफ्ट आ रहा है आपको 100% 3:30 बजे आपको, मतलब बार बार आपको टाइम एंड अगेन मिस कम्युनिकेट किया गया, और 3:30 बजे के बाद एयरक्राफ्ट का कोई भी बंदा एयरपोर्ट तब के सब बिल्कुल गायब हो गए, और हमें 3-4 गार्ड थे उन गार्डों के हवाले करके चले गए, तो हम बोल रहे हैं भाई एयर स्टार के बंदे को देख लिया हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, आप देखें अब हमने इस्लामाबाद में बस भी करवा ली थी, हमने इस्लामाबाद का आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं इस्लामाबाद, आगे का बुकिंग करवा ली, ओके हम अगर एयर स्टार की आज टिकट भी मिस कर देते तो हमने एयर स्टार बोला था मैं आपको पैसे रिफंड कर देता हूँ, हमको पैसे रिफंड की बात नहीं, हमारा पूरा जो एक हफ्ते का पैकेज है जो हमने गाड़ी बुक करवाई थी, जो हमने होटल की पैकेज भी बुक करवाए हैं, जिसके हमने एडवांस दिए वो सब कैंसिल हो जाएंगे, हर किसी के हमने 25% अमाउंट दे चुके थे, मैंने बोला कि भाई आप हमें गेस्ट से नो कर दें कि वो बोले नहीं हम 3:30 बजे आपको भेज देंगे। अच्छा हमजा आप जिस तरह से फरमा रहे हैं कि आप टूरिज्म पर्पस के लिए गए थे तो ये आपका मतलब रिटर्न टिकट होगा एयर सीआर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल तो रिटर्न में आपको अकोमोडेट किया गया, रिटर्न से मुझे ये बोला गया कि नहीं नहीं आपको अगर आपको कैंसिलेशन करवानी है तो हम जो है ना अभी आप ये वाली टिकट तो कैंसिल कर देंगे, रिटर्न जो है ना आपको हम 2 दिन के बाद जो है ना आपको बता देंगे ये पॉलिसी है कि नहीं, तो उससे भी बहुत से लोगों ने जो है ना बहसबाजी भी ये हुआ, एंड ऑफ ये बोला कि चले आप रिटर्न टिकट भी वापसी करवानी है तो हम आपको रिटर्न टिकट भी करवा देंगे, और दर हकीकत रिटर्न टिकट के ऊपर भी जो पैसेंजर्स हैं उनकी कंप्लेन यही है कि उनको भी 1500 रुपीज चार्जेस लगे हैं। हमजा बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और यकीनी तौर पे जो सूरत हाल है ये काफी ज्यादा तशवीश का बाइस है, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम तक मामला को हैंडल किया जा रहा है कैरी किया जा रहा है ये पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए किसी भी तौर पे मुस्बत नहीं होंगे, एयर सियाल की बात करें एयर ब्लू की बात करें या दीगर जितने भी एयरलाइनर्स हैं ये पाकिस्तान के अपने, अगर ये बेहतर तौर पे ऑपरेट करेंगे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बेहतर फजाई सर्विसेज मुहैया हो सकेंगी। एक वक्फा लेते हैं, छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि क्या कुछ सूरत-ए-हाल है क्या कुछ मामला है, मुसर साहब जरा इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, इन द एंड टेक्निकल एरर्स हो जाते हैं टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं बट उनको मेंटेनेंस में भी डाला जाता है, मुसर साहब यू हैव हर्ड एवरीथिंग अबाउट इट, और ये जो इश्यूज होते हैं एयरलाइंस के डुप्लीकेशन ऑफ टिकट्स की बात की जाए, पैसेंजर्स को किसी ना किसी तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटेशन की बात की जाए, हमारे यहाँ पे सूरत हाल क्यों इतनी खराब नजर आती है, हमारी तो एक लेगेसी रही है हॉस्पिटैलिटी की है सर्विसिंग की है, अब मामला क्यों इतना खराब है? बस ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये देखें अब रोलिंग डिले को अवॉइड करना चाहिए, हमें जो पढ़ाया गया था ट्रेनिंग हमारी हुई थी कि ऑलवेज अवॉइड रोलिंग डिले, अब इन्होंने क्या किया कि ये रोलिंग डिले था ये कि आधा घंटा एक घंटा, आपको प्लान पूरा करना है कि जहाज अगर आना है कहीं से बाहर से तो वो उनको पता है कि वो कब तक पहुंचेगा, आप देख सकते हैं कि वो कब जहाज आएगा, तो एक पिन पॉइंट कर सकते हैं आपके 2 घंटे या 3 घंटे का आप डिले कर दें रोलिंग डिले से अवॉइड करने के लिए, क्योंकि रोलिंग डिले में ये होता है कि आदमी झंझलाट में आ जाता है, फिर कहता है यार क्या मुसीबत है अभी आधे घंटे बाद से। आमतौर पर इस तरह की जो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा जब ये ट्रैवल हो रही होती है मरीज भी होते हैं ओल्ड एज भी होते हैं
छोटे बच्चे भी होते हैं हमारे एयरपोर्ट्स पे, तो फैसिलिटेशंस का कोई दिखती नहीं मामला। एयरलाइंस भी कुछ तरह के स्पेशल क्यूबिकल्स नहीं फॉर्म करते, स्पेशल एरियाज नहीं फॉर्म करते। इंटरनेशनल देखा तो सूरत मुख्तलिफ नजर आती है। और पहले एक ज़माने में जब मैं बहुत छोटा था, जब अभी स्टूडेंट था मैं, तो मैं अपने फादर के साथ, फैमिली के साथ बाहर जाया करते थे, तो पीआई में भी थे हम उस वक्त, मेरे फादर पीआई में थे, तो वो अप्लाई करते थे डोमेस्टिकली। अगर कोई जहाज़ डिले होता था तो वो एयरलाइन वॉज बाउंड टू सर्व द पैसेंजर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स जो भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, बॉर्न बाय द एयरलाइन। कितना अच्छा होता था, देखिए एटलीस्ट दुखों का, तकलीफों का मदावत हो जाता है जी। और बिल्कुल, एंड देयर शुड बी सम फोकल पर्सन जो आके बात कर सके जी। ओवरनाइट भी डिले होता था तो ऑल द पैसेंजर्स दे वर यूज्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द होटल, और वहां पर एयरलाइन के खर्चे पर ही वो ठहरते थे पूरे पैसेंजर। एक एक कमरा सबको दिया जाता था नियर द एयरपोर्ट, और मिडवे हाउस या जो भी है एयरपोर्ट इन है अपना, तो वो नियर बाय एग्जैक्टली वो करते थे। तो इससे पैसेंजर्स का दिल बड़ा हो जाता है, and they like to travel. Exactly. मेरा जो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, मुद्दा यही है। एक तो दो गफलतें की गई, एक जहां पे टेक्निकल इश्यूज आए, टेक्निकल एरर्स आए, वहां पे पहला सवाल तो ये बनता है कि जहाज टेक ऑफ के लिए रनवे तक पहुंचा कैसे, टैक्सी से पहले उसको क्लियरेंस दी कैसे गई। सिविल एविएशन की क्लियरेंस नहीं थी तो सर मुझे बता दें कि बगैर सिविल एविएशन की क्लियरेंस के ये जहाज रनवे तक पहुंच जाते हैं, पैसेंजर्स इसमें सवार हो जाते हैं, ये तो नेग्लिजेंस है। ये इसमें होता है पूरा एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें जहाज को रिलीज किया जाता है टेक्लॉग। अगर उसमें जहाज टेक्निकल हो तो वो इंजीनियर जो साइनिंग अथॉरिटी वाला होता है, जो लाइन इंजीनियर होता है, वो उसको रिलीज करता है जहाज को, रिलीज टू सर्विस। अपने एम में नंबर डालता है वो, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस नंबर डालता है एंड साइन करता है वो, और वो हैंड ओवर हो जाती है किताब, टेक्निकल लॉग बुक टू द पायलट। अब पायलट उसको मर्जी है कि उसको एक्सेप्ट करे ना करे। अगर वो समझता है कि जहाज टेक्निक ठीक नहीं है तो उसको वो ओवरराइड कर सकता है, नहीं जी आई एम सॉरी आई कांट टेक दिस एयरक्राफ्ट, इट्स नॉट टेक्निकली फिट टू फ्लाई, तो वो उसको लॉग दोबारा करेगा वो डिफेक्ट को उस जगह, उसको अब वो देखेगा इंजीनियर। इंडियन कैप्टन इज द इंचार्ज। जी जी जी, कैप्टन इज द इंचार्ज। और ये तो मामला रहे हमारे एयरलाइंस के, लेकिन ये जो तासुर है, ये पाकिस्तान का इमेज है, क्योंकि आमतौर पे एयरपोर्ट्स पे फॉरेनर्स भी बहुत सारे मौजूद होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं, और इस तरह की जब वीडियोज निकल के आती जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के इमेज को डेंट करता है, एविएशन इंडस्ट्री के इमेज को डेंट करता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हमजा साहब मौजूद है टेलीफोन लाइन पे, हमजा नासिर साहब, सर इनसे बात करते हैं, ही इज बिलोंग फ्रॉम एविएशन एंड ट्रैवलिंग बिजनेस, तो इनसे जानते हैं कि इस वक्त कस्टमर्स की क्या सूरत हाल है। हमजा सलाम वालेकुम। हमजा, रिसेंटली एक डेढ़ हफ्ते में जो कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट में आपने देखे मामला हुए हैं, ये तमाम तर चीजों ने एविएशन इंडस्ट्री पे कितने बड़े सवाल खड़े कर दिए, पैसेंजर्स कस्टमर्स क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए डोमेस्टिक ट्रैवल पर है और इस वक्त पिछले एक से दो वीक में इतनी परेशानी हुई है फ्लाइट डिले और फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से कि हमारा तो ऑलरेडी गला दबा हुआ है टर्मिनेशन का, मजीद कस्टमर जो है ना वो परेशान होने की वजह से अब वो डोमेस्टिक टूरिज्म भी नहीं कर सके। बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने खासतौर पर इन छुट्टियों के लिए जो अपने प्लान बना के रखे थे वो सब कैंसिल हुए। हमसे ये शिकायत आ रही है आमतौर पे कि फ्लाइट्स मौजूद होती हैं, ऑन टाइम होती हैं, बट अमले की जानिब से फोन करके पैसेंजर्स को कहा जाता है एट लास्ट मोमेंट कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, और फिर उसमें दूसरे पैसेंजर्स को अकोमोडेट किया जा रहा होता है। ये कितना बड़ा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि पैसेंजर्स तो वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, वो देख रहे होते हैं आंखों के सामने कि ये फ्लाइट ऑन बोर्ड है। फोन कॉल करके हम ट्रैवल एजेंट से सारा जो है ना वो दलदल गिरा रहे होते हैं कि अच्छा एयरलाइन की तरफ से हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, बिल्कुल एंड मोमेंट पे जो है ना जब पैसेंजर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं उस वक्त जाके पता चलता है कि उनकी फ्लाइट 4-5 घंटे डिले होती है, तो ये एक बड़ा इश्यू था। पहले ये होता था कि प्रॉपर्ली जो है ना एक कॉल ट्रैवल एजेंट को या कस्टमर को की जाती थी, अभी भी करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा फ्लाइट डिले हो रही है कि वो कॉल भी नहीं कर पा रहे ना ट्रैवल एजेंट को पता है, और पैसेंजर एंड मोमेंट पे होता ये कि पैसेंजर सफर करता है
और फिर इसकी वजह से हम ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर भी कंसर्निंग होती है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दी है खराब होती है, दीगर मामला होते हैं तो पैसेंजर्स एट टाइम्स डिलेस को बर्दाश्त भी कर लेते हैं क्योंकि वो डिले समझ आती है कि इस वक्त सूरत हाल मौसम की खराब है। लेकिन अभी अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें वहां पे वेदर बिल्कुल अनसर्टन नहीं है, सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, इसके बावजूद फ्लाइट डिले नहीं कैंसिलेशन बहुत हो रही है, फ्लाइट पूरी तरीके से कैंसिल की जा रही है, मुसाफिरों को प्लेन में से उतार के कैंसिल किया जा रहा है, ये कितना बड़ा सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी रिसेंट इनको वापस उतारा गया, ऐसी कैंसिलेशन को रिफंड करना हम ट्रैवल एजेंसी मतलब है क्योंकि उनका बोर्डिंग पास इशू हो सकता है, इसके पास को रिफंड करना एक हमारे ट्रैवल एजेंसी भी प्रॉब्लम है क्योंकि एयरलाइन प्रॉपर क्लियर करके और एक एक बाई टिकट उठा के रिफंड क्लेम करना पड़ता है, तो रिफंड भी नहीं मिलता तो सभी प्रॉब्लम ये बना। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने मौकफ से आगाह किया, और यकीन तौर पे आपने जो कुछ बातें बताई वो पाकिस्तान की आवाम की पाकिस्तान के कस्टमर्स की आवाज है। मुशर्रफ साहब यू हैव हर्ड ऑल दीज थिंग्स, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें कि इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने नजर आ रही है, डू यू थिंक इस तरह की चीजों को लेकर इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करके हम अपनी एविएशन इंडस्ट्री को बेहतर बना सकेंगे? बिल्कुल, और इंशाल्लाह होगा, आगे आगे चलकर भी हो सकता है। कोविड की वजह से थोड़ा सा ज़रा ये एक ऑब्वियसली प्रेशर तो पूरी ग्लोबल आया हुआ है ये तो, मगर आपने उनको वहाँ बाहर के मुल्कों में जैसे कतर है, एयर न्यूजीलैंड है और एमिरेट्स है और इतिहाद है ये और लुफ्थांसा अमेरिकन एयरलाइंस हैं, ये तो दे आर स्ट्राइविंग एंड दे आर डूइंग मच बेटर क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इमरान खान साहब तो खैर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में कि वो कोविड को उन्होंने काफ़ी रखा है, दबा कर रखा हुआ, और हमारे आवाम ने भी तआवुन किया है बहुत अच्छा है, इससे भी बेहतर कर सकते हैं और इंशाल्लाह एविएशन इंडस्ट्री कुछ बेहतर बनेगी। रहा वेदर का सवाल, वेदर से तो कोई नहीं लड़ सकता, हाँ। तो अल्लाह की तरफ से आता है, तो वेदर जो है वो जब आम आवाम देखिए जब हमें पता है कि इस्लामाबाद में अगर बारिश हो रही है तो वहां अगर फ्लाइट डिले तो दैट इज फाइन, पीपल आर मोर देन हैप्पी टू शेयर द एयरपोर्ट, बट जब सर्कमस्टांसेस नॉर्मल हैं और जब मिस कम्युनिकेशन हो रही हो, जब लारे दिए जा रहे हो, अहम ज़बान में बात करूं, जब आपको कोई फोकल पर्सन आके आपकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस ना कर रहा हो, बिल्कुल देन इट इज टेरिबल ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब तक कोई जिम्मेदार आदमी उनको आकर पैसिफाई ना करे, उनकी ग्रीवेंसेस को देखे नहीं, क्रैक ना करे, उनको एड्रेस ना करे, वो पैसेंजर्स में एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, हमें कोई हमने पैसा भी दिया हुआ है और हम बैठे हुए हैं ये और मतलब सर, और लोग ये जो इन एयरलाइंस पे ट्रैवल कर रहे हैं डेफिनेटली दे हैव अदर मीडियम्स आल्सो, वो ट्रैवल कर सकते थे ट्रेन पे, दे कुड हैव ट्रैवल थ्रू कार, बट ये एयरलाइंस को महंगे महंगे टिकट्स खरीद के ये ट्रैवल इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वक्त बचाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, बट जब ये सूरत हाल नहीं होती तो पैसेंजर्स का तो दुखी होना, अपने ग्रीवेंसेस का इजहार करना सब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया एंड आप जैसे लोगों को देख के हमारा हौसला बुलंद होता है कि इफ पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री हैज डन सो गुड इन द पास्ट देन व्हाई नॉट वी कैन डू इट अगेन, व्हाई नॉट हम इस एविएशन इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को और बेहतर नहीं बना सकते, क्योंकि आप जैसे जब लोग हैं हमारे लिए एक इंस्टीट्यूट है, हमारे लिए सीखने का एक बहुत बड़ा मरकज है, तो ये यकीन तौर पे बड़ा अहम होगा कि आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में जो कुछ मौजूदा मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए, पैसेंजर्स के जो मामलात हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, ना सिर्फ उनको दूर किया जाए बल्कि उन्हें ओब्लाइज करने की भी कोशिश की जाए, क्योंकि इन द एंड एट द एंड ऑफ द डे यही पैसेंजर्स हैं जो आपका मुस्बत इमेज दुनिया भर तक लेके जा रहे हैं। इस वक्त जो हमने बात की, जो कुछ मामला एयर सियाल के साथ हुए, एयर ब्लू के साथ हुए, दीगर एयरलाइन के साथ हुए, जो कुछ वीडियोस इस वक्त भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यकीनी तौर पे इस वक्त बहुत बुरा इमेज लेके जा रहा है पाकिस्तान का, जो तासुर है ये इस वक्त बहुत ज्यादा मनफी नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम की तवज्जो से जो कुछ इश्यूज, जो कुछ मामलात हमने हाईलाइट किए हैं वो मामलात बेहतर अंदाज में डील किए जाएंगे, उनके ऊपर काम किया जाएगा और आने वाले दिनों में एविएशन इंडस्ट्री के मामलात को दुरुस्त करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अपने होस्ट मीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।